ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से प्रदेश की जनता को लुभाने की तैयारी कर रहे हैं। आज से सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने जौनपुर से अपनी विजय यात्रा का आगाज किया है। राजनीतिक जानकारों की माने तो इस विजय यात्रा में है वो एक अलग ही संदेश दे रहा है। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव और उनके सहयोगियों के सिर भी अब बदले बदले से नजर आ रहे हैं। अखिलेश यादव की इस विजय यात्रा में उनके सहयोगी सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी के संयोजक ओम प्रकाश राजभर, राम अचल राजभर, संजय चौहान और कृष्णा पटेल भी साथ हैं। अखिलेश यादव ने जौनपुर में अपनी विजय यात्रा की शुरुआत से पहले मीडिया से बात की और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा कि यह देश की जनता अच्छी तरह जानती है कि केंद्र सरकार ने तीनों कृषि कानूनों को मजबूरी में वापस लिया है, सरकार ने किसानों का अपमान किया है। अखिलेश यादव ने किसानों का मुद्दा उठाते हुए कहा कि भाजपा सरकार के राज में देश भर के किसानों की किसानी बर्बाद हो चुकी है। किसानों को आज खाद नहीं मिल रही है, उनकी आय दोगुनी नहीं हुई बल्कि महंगाई के कारण आमदनी और कम हो गई। अखिलेश ने कहा कि अगर कमाई नहीं होगी तो बचत कैसे होगी। इस महंगाई ने आम लोगों की कमर तोड़ कर रख दी है, लेकिन सरकार कुछ नहीं कर रही। वहीं अखिलेश यादव ने पीएम मोदी के वाराणसी दौरे को लेकर भी बड़ा बयान दिया। जब अखिलेश से पीएम मोदी के वाराणसी दौरे को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, बनारस में आज प्रधानमंत्री हैं और एक महीने का कार्यक्रम वहाँ रखे जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, एक महीना नहीं, दो महीना, तीन महीना वहीं रहें, अच्छी बात है। वो जगह रहने वाली है, आखिरी समय पर वहीं रह जाता है बनारस में। अखिलेश यादव के इस बयान के सामने आने के बाद बीजेपी नेताओं ने अखिलेश के इस बयान को अमर्यादित करार दिया। साथ ही अखिलेश पर निशाना साधते हुए बीजेपी नेता ने कहा कि अखिलेश यादव का यह बयान यह दिखाता है कि काशी का कायाकल्प और भारतीय संस्कृति का बढ़ता गौरव उनको पच नहीं रहा। वहीं मीडिया से मुखातिब हुए अखिलेश यादव ने आगे कहा कि उनकी पार्टी जनता के साथ मिलकर भाजपा को प्रदेश और देश से हटाने का संकल्प ले चुकी है। साथ ही एक बार फिर मैं ये दावा करता हूं कि यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में समाजवादी पार्टी 400 सीटें जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी ने अब तक भी अपने चुनावी संकल्प को पूरा नहीं किया। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि देश और प्रदेश में आज भ्रष्टाचार और महंगाई बेलगाम हो चुकी है। हालात ऐसे हैं कि भाजपा के सांसद और विधायक गांवों में नहीं घुस पा रहे। डबल इंजन की सरकार पूरी तरह से फेल साबित हो चुकी है। इस दौरान जब अखिलेश यादव से अपने चाचा शिवपाल यादव को साथ लाने को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने वहां मौजूद सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर को अपना चाचा बता डाला। वो देखिए ये भी चाचा है हमारे, ये कहाँ में और चाचा, ये भी चाचा, अरे जरा उस चाचा ताऊ जी आगे देखो, सब साथ होंगे। वहीं अखिलेश के सहयोगी ओम प्रकाश राजभर ने आगामी चुनाव को लेकर बड़ा दावा ठोक दिया। राजभर ने कहा कि पूर्वांचल में वह भारतीय जनता पार्टी को एक भी सीट नहीं जीतने देंगे। उनकी पार्टी गठबंधन के साथ पूर्वांचल में 150 से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज करने वाली है। भारतीय जनता पार्टी नफरत की राजनीति करती है, मंदिरों से किसी का भला नहीं होने वाला, उसने कोई विकास नहीं किया है। उन्होंने कहा कि वह नफरत की राजनीति को खत्म कर प्रदेश में सपा के साथ सरकार बनाएंगे और प्रदेश में गुंडाराज खत्म होगा। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, उत्तर प्रदेश। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।